नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जिनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो खास कर उन्हीं के लिए है कि बोर्ड एग्ज़ाम का भूत सर पर सवार है और ऐसे में बच्चे ये कठिनता महसूस करते हैं कि अब हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी आप संभल गए, अब भी आपने पढ़ने का मानस बना लिया, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और अपने मनचाही उपलब्धि तक, मनचाही लक्ष्य तक आप पहुँच सकते हो। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों अब अपने आप को संभालने का। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको नियमित पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छे से वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम उनका नज़दीक है और ऐसे में उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सफलता अपने हाथ में होती है। अब सफलता हमको कैसे प्राप्त करनी है, उसी विषय में हम कुछ टिप्सों का फॉलो करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, यानी अपने एक टारगेट बना लें कि हमको इतना पढ़ना है, इतनी परसेंटेज के लिए हमको पढ़ाई करनी है। पहले अपने दिमाग में ये परसेंटेज फिक्स करें कि हमको यहाँ तक पढ़ना है, यानी आपके दिमाग में ये अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लड़के जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनका टारगेट होता है कि हमको सिर्फ पास होना है, यानी वो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहते हैं। कुछ लड़के जो टैलेंटेड होते हैं, उनका टारगेट होता है कि हमको किस तरह से मेरिट में आना है, किस तरह से हम अपनी उपलब्धियों को हासिल करें, किस तरह से अपना और अपने परिवार वालों का, विद्यालय का नाम रोशन करें। तो हर एक लड़के का अलग टारगेट होता है। तो पहले अपना वो लक्ष्य निर्धारित करें और जो भी आपका लक्ष्य है, उसको अपने रूम में सबसे पहले उस लक्ष्य को एक बड़े से चार्ट पर अपने लक्ष्य लिख लीजिए। जैसे मान लो, सपोज आपका टारगेट है कि मुझे 90 बनानी है, 90% आपका टारगेट है। तो इस तरह से आप एक बड़े से चार्ट पर 90% लिख करके आप सामने इसको रख सकते हो, जिससे कि हर समय आपकी उस पर नज़र पड़े। अगली बात है दोस्तों कि अपना टाइम टेबल तैयार करें। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अपना टाइम टेबल तैयार करें, यानी पढ़ाई का जो टाइम टेबल है उसको एक तरह से फिक्स कर लें, किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से हमको नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसके बारे में हमको टाइम टेबल एक फिक्स होना चाहिए अपना। अब टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, हर विषय को नियमित पढ़ें। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कठिन विषय हैं उन्हीं को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, बच्चों के दिमाग में वो कठिन सब्जेक्ट ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो उन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे मैथ, इंग्लिश वगैरह जो भी उनको टफ लगते हैं, वो उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हर सब्जेक्ट का बराबर का रेशा होता है, यानी हर एक सब्जेक्ट अपने आप में 100 नंबर लिए हुए होता है। अब आपने मान लो मैथ के लिए तैयारी की 100 नंबर की, आपने यहाँ से तो वो नंबर प्राप्त कर लिए, लेकिन आपने हिंदी को नहीं पढ़ा, हिंदी भी तो 100 नंबर की है। और आपने अगर इसको छोड़ दिया, इसको नहीं पढ़ा, यहाँ पर आप मान लो 60 से 70 नंबर लेकर आ रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा, आपका पढ़ाई जो आपकी पढ़ाई हुई है वो सब बेकार जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको 30 नंबर का नुकसान हो गया। इसलिए आपको अगर परसेंटेज बढ़ानी है या अपने आप को एक ऊँचे स्थान पर रखना है, तो आपको हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात दोस्तों कि प्रसन्न रहें। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, बच्चे टेंशन में पड़ जाते हैं, उनको टेंशन होने लगती है कि किस तरह से पढ़े, टाइम बहुत कम रहा है, क्या क्या पढ़े। तो ये
इम्पॉर्टेंट है कि प्रसन्न रहे, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें, पढ़ाई को हावी ना होने दें, पढ़ाई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर पढ़ाई आपके ऊपर हावी हो गई तो दोस्तों आप एक तरह से दबाव में आ जाओगे, टेंशन में चले जाओगे और फिर आप जो भी याद करते हो वो भूल जाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ाई क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है लेकिन प्रसन्न रहते हुए। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आपको समय सारिणी बनानी है, यानी इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई के लिए। देखो दोस्तों ये तो मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है बच्चों के लिए, जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने डिमांड की थी तो उनके लिए मैंने तैयार किया, लेकिन आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन जो मैंने सेट किया उसी के अनुसार आपको इसको रखना है। देखिए दोस्तों इधर हमने रखा है समय को, इधर सब्जेक्ट को यानी विषय को, और इधर हमारी जो टाइम पीरियड है यानी अवधि को इसको रखा है। अब देखें सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, यानी सुबह का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और इस टाइम आप मैथ को पढ़ें। अगर आप इस समय गणित को पढ़ोगे तो गणित जो आपको कठिन लग रही है वो बहुत ही ईजी लगेगी और बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो सुबह 4 से 6 यानी 2 घंटे का टाइम हो जाता है ये दोस्तों, और 2 घंटे आपको गणित को देना है, तो सुबह 4 से 6 गणित को पढ़ें। उसके बाद दोस्तों आप 6 बजे के बाद फ्रेश व्रेश होइए, नहाइए या खाना वाना खा के स्कूल जाइए, ये स्कूल का काम है। तो मैंने ये टाइम स्कूल के लिए रख दिया कि 9 से 4 बजे का ये टाइम है, ये भी स्कूल का विद्यालय समय है, यानी किसी का 9 से 3 है, किसी का 10 से 4 है, जो भी है जैसे भी आपको लगे, तो ये जो टाइम है वो विद्यालय का समय है, तो इसमें भी आपकी पढ़ाई ही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमको कितना पढ़ना है, विद्यालय में तो पढ़ाई होती होती है लेकिन इसके अलावा कितना पढ़ना है। अब 4 बजे के बाद आके हम 4 से 5 के बीच में कोई भी अपना काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। उसके बाद 5 बजे से पढ़ना दोबारा बैठ जाएं, और 5 से 6 बजे तक दोस्तों 5 से 6 बजे तक आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। हिंदी को 5 से 6 पढ़ो 1 घंटे के लिए, रोज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, ये 6 के 6 सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ने हैं। देखो दोस्तों मैं 10th के लिए बता रहा हूँ, 12th वाले भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार इस तरह बना सकते हो। तो ये 10th के लिए बताया है मैंने कि 5 से 6 बजे आपको सुबह के 5 से 6 शाम के 5 से 6 आपको हिंदी को पढ़ना है 1 घंटे। उसके बाद 6 से 7 बजे का टाइम मैंने छोड़ दिया है, उस 6 से 7 बजे के टाइम में आप अपना खाना वाना खा सकते हो। फिर 7 से 8 आप साइंस को पढ़ें, विज्ञान को पढ़ें 1 घंटे के लिए दोस्तों, पर डे 1 घंटा पढ़ना है, स्कूल में तो पढ़ोगे लेकिन 1 घंटा आप घर पे भी इसको दें। तो 7 से 8 साइंस को पढ़ें, फिर उसके बाद 8 से 9 संस्कृत को पढ़ें। देखो दोस्तों मैंने सब्जेक्ट को इस तरह से यहाँ पर रखा है कि एक जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में मैथ दिमाग को फ्रेश करने के लिए, दिमाग को चालू करने के लिए काम आएगी सुबह, लेकिन जैसे आप विद्यालय में सारे दिन थके हुए आओगे तो उसके बाद हिंदी सरल सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से पढ़ लोगे। हिंदी के फौरन बाद मैंने टाइम गैप दिया है और आप थोड़ा बहुत खाना वाना खा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन फिर एक टफ सब्जेक्ट आ जाता है साइंस। साइंस को पढ़ने के तुरंत बाद आप संस्कृत को उठाइए, जिससे आपका दिमाग फिर रिलैक्स हो जाए और संस्कृत को आप 1 घंटे पढ़ सकते हो 8 से 9। और संस्कृत के बाद आप आधे घंटे के लिए फिर रेस्ट लीजिए, पढ़ाई को एकदम से हावी होने दिया, आधे घंटे आप रेस्ट लीजिए, और फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 तक इंग्लिश को पढ़ें, अंग्रेजी विषय को पढ़ें 1 घंटे के लिए। और उसके बाद दोस्तों 10:30 के बाद जो भी समय बच जाता है, यानी 10:30 के बाद जितने आप पढ़ सको, जैसे 11:30-12 बजे तक जितना भी पढ़ सकते हो रात को, वो सामाजिक विज्ञान को रखिए। देखो दोस्तों ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप जैसे मान लो रात में पढ़ बैठे बैठे थक गए हो तो आपको लेटे लेटे भी कुछ पढ़ सकते हो इसको, तो मान लो आधा घंटा आपने बैठे के पढ़ लिया, फिर मान लो उसको रिवाइज करना है तो आप लेट कर भी इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये ऐसा इसको मैंने लास्ट में रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपना टाइम टेबल बनाओगे तो ये पूरे 7 घंटे का टाइम टेबल हो जाता है दोस्तों, 7 घंटे का टाइम टेबल हो जाता है, और 7 घंटे ये और 6 घंटे आपके विद्यालय के, तो 13 घंटा एक दिन में 13 घंटे बहुत पढ़ाई होती है। अगर इतना आप पढ़ लोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों।
आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे या अपने अनुसार कोई भी टाइम टेबल बनाओगे और उसके अनुसार उसको फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।